हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज जायका। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी टेस्टी रेसिपी, जिसे आप एक बार खा लेंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे और गोलगप्पे खाना तो आप बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ये रेसिपी आप घर पर फटाफट से बना सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है, फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम जो पानी है गोलगप्पे वाला वो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्राइंडर जार में लिया है धनिया और पुदीना, इनको मैंने धुलकर पहले ही साफ करके रखा था। और यहाँ दो हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं और अदरक। तो इनको हम ठंडा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे बिल्कुल महीन। और ठंडा पानी डालकर या आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसके साथ, जिससे कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये पिसकर तैयार हो गई है, बिल्कुल वही पिसा है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बाउल में, जिसमें हम पानी बनाने वाले हैं। थोड़ा बड़ा बाउल लेंगे, जितना पानी आपको चाहिए इस चटनी के साथ आप बना सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप पानी डाल दीजिए इसमें। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इमली का पानी, जो इमली मैंने गला के रखी थी और इसको मैंने अच्छे से मैश करके छान के ले लिया है, जिससे कि जो पानी बनेगा वो खट्टा मीठा बनेगा। तो और ये मैं पानी डाल रही हूँ बिल्कुल ठंडा, तो जितना पानी चाहिए आप उतना पानी इसमें मिक्स कर लीजिए। तो अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, तो एक चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला। स्वाद के अनुसार और कोई भी मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो लाल मिर्ची भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा आपको पसंद है कम या ज़्यादा। तो आधा चम्मच डालेंगे हम काला नमक और वाइट वाला नमक, जो नॉर्मल हम खाते वो। तो ये दोनों नमक डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। तो हींग से क्या है, जो पानी बनेगा उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो और एक नींबू का रस डाला है मैंने। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको आप टेस्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ बूंदी, जिससे कि ये पानी देखने में भी बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये देखिए गोलगप्पे का पानी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे और यहाँ बना लेंगे हम पकौड़ियाँ। तो ये मूंग दाल ली है मैंने, उसको थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी हो उतना पानी डाल के हम इसको बिल्कुल मिक्स महीन पीस लेंगे। और देखिए बिल्कुल महीन पीस के तैयार कर लिया है मैंने मूंग दाल को। इसमें भी थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। हींग से क्या है, पकौड़ियों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है अंदर से। और थोड़ा सा डालेंगे हम नमक और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं जीरा। तो जीरा आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ियों में। और थोड़ी सी डालूंगी मैं एक चुटकी बेकिंग पाउडर, जिससे कि अपनी पकौड़ियाँ वह बहुत ही फूली फूली और स्पंजी बनेगी। तो इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे, जिससे ये बबल्स बन जाए, इसमें एयर जो हवा है वो अंदर भर जाए, जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बिल्कुल स्पंजी बन के तैयार होगी। तो इसको 5-7 मिनट इस तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपने ये बैटर तैयार हो गया बनकर। तो इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा बैटर लूज लग रहा है, थोड़ा सा पतला हो गया है, पानी डाल के पीसी थी मेरी दाल। तो इसमें मैं एक चम्मच डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन के साथ आप इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत लगे तो बेसन इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको।
देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब इसे हम तलेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करके रखा है और इस तरह से आप छोटी बड़ी जैसे भी पकौड़ियाँ बनाना चाहें वैसे डाल दीजिए। मैं इस तरह से चम्मच से छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। जितनी आ सके एक बार में इतनी आप डाल दीजिए और लो मीडियम फ्लेम पर इनको हम सेकेंगे। और देखिए ये मैंने इनको पलट दिया है अच्छे से। पलटते पलटते हुए चलाते हुए इनको इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है इनको। तो ये निकाल लेती हूँ मैं। इसी तरह से सारी जो पकौड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। इनको भी इसी तरह से सेकना है लो मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे नहीं तो ऊपर से ये पकौड़ियाँ सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए ये अपना पानी भी तैयार है। पकौड़ियाँ भी थोड़ी सी ठंडी कर ली क्योंकि हम पानी के अंदर डालने वाले हैं। तो इन्हें आप पकौड़ियों को पहले पानी में डाल के और पानी निकाल के इसको डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाला है, पकौड़ियाँ डाल दी और ये लच्छे बनाकर जैसे कि ये देखने में भी सुंदर लगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।